ओके भाई, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में सर्कुलर अच्छा जी, पहली हेडिंग है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहली हेडिंग में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे। मैं इसको सर्कल को यहाँ से प्लॉट करता हूँ। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे और स्पीड कांस्टेंट हो। क्या चीज कांस्टेंट हो? स्पीड जो है उसकी, ये जो हो क्या हो, कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो। क्यों कांस्टेंट नहीं हो? क्योंकि वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे क्या होगी, चेंज हो रही होगी। इस इंस्टेंट पे कुछ और होगी, इस इंस्टेंट पे कुछ और होगी। हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे क्या होगी, चेंज होगी। वो मोशन के जिसमें बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसकी डेफिनेशन क्या है? मोशन इन विच बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। सही है। इसमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट। बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में इसकी है नंबर वन, मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ पेन। ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी आती है। इसमें कौन सी अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं पेन की थिकनेस भी बढ़ा दूं।
ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पहला, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, सही है, तो अब जैसे बॉडी यहां पर है, तो ये बॉडी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होगी इस पॉइंट पे। जैसे बॉडी यहाँ पे आएगी तो एंगल ये रहा 90 डिग्री, यहाँ होगी तो एंगल चेंज होगा ये 180 डिग्री। इसमें जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी इस तरीके से, तो वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, जिसे आप थीटा लिखते हैं। उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन है एंगल सबटेंडेड बाय बॉडी विद द with the horizontal axis during uniform circular motion is called angular displacement। उसको जाहिर कैसे करते हैं, denoted by theta। यूनिट इज डिग्री, रेडियन एंड रेवोल्यूशन। इसके कुछ रिलेशन है याद रखना। वन रेवोल्यूशन बराबर है 360 डिग्री के बराबर है 2π डिग्री। इसके बाद फौरन एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन है एफ इक्वल्स टू आर थीटा। ये हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, सर्कल का रेडियस आर है, सही है। अच्छा जी, ये एंगल थीटा, ये रेडियस आर, ओके, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस से कवर किया है ये है एस आर प्लेन, को पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो इसमें इस फिगर के मुताबिक आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा एंगल सबटेंडेड और एस जो है वो क्या है, आर्क
ठीक है। स्पीकर से अगर आप पास दायर देखें, अगर ये आर्क लेंथ बढ़ेगी ठीक है, अगर ये आर्क लेंथ बढ़ेगी तो जैसे ये अगर ये आर्क लेंथ बढ़ जाए यहां से लेके यहां तक ठीक है, तो एंगल भी बढ़ेगा। तो अब ये अगर मैं सर्कल में यहाँ बना दूं, आर्क लेंथ बढ़ाते जाओगे तो थीटा से इसका एंगल भी क्या होगा बढ़ता। सो इट मीन्स फ्रॉम फिगर इस फिगर से साफ जाहिर है कि आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल के, ठीक है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल आऊंगा तो मैथ का रूल इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है या आर आएगा थीटा, तो सी रिलेशन प्रूव हुआ एस इक्वल टू आर थीटा, सही है। यानी इस फिगर में हमने किया क्या, दोबारा बता दूं कि ये फिगर, इस फिगर में आप ये देख रहे हैं कि एस जो है ये, हाँ जी ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एस आर्क लेंथ कवर हो रही है पॉइंट पी से क्यू तक, ठीक है। ये एस यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क लेंथ है, ये रेडियस है, ये थीटा है। जब ये पी से क्यू पर जा रही है इसने एंगल कितना कवर किया, थीटा। अब आर रेडियस है, थीटा एंगल है और एस फॉर आर्क लेंथ, इस फिगर से साफ जाहिर हो रहा है एस इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। यानी आप आर्क लेंथ बढ़ा रहे हैं, एंगल बढ़ रहा है, आर्क लेंथ कम करोगे तो एंगल भी कम कर जाएगा, सही है। उसके बाद फिर प्रोपोर्शन हटाएंगे, नीचे आओ फिर प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट में यहाँ पे क्या आएगा आर थीटा, ये कॉन्स्टेंट में यहाँ पे क्या आएगा आर थीटा, ठीक है। एक और इक्वल टू ऑर्डर लगाऊंगा, कॉन्स्टेंट लगाऊंगा, कॉन्स्टेंट में आएगा आर कोस थीटा, ठीक। अब आगे बढ़े, मैंने आपको बताया था इसके दो यूनिटें, एक है डिग्री और एक रेडियन। अब मैं सबसे पहले बता दूं कि डिग्री और रेडियन के दरमियान क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यह हमें पता है एस किसके बराबर है आर थीटा, क्वेश्चन नंबर वन। अब आप एक बात बताएं, एक रोटेशन कंप्लीट होती है तो सर्कल की बाउंड्री बनती है, तो एक रोटेशन कंप्लीट हो रही है तो ये क्या बन गई, सर्कल की बाउंड्री। तो मैं ये लिखूंगा फॉर वन रोटेशन ऑफ सर्कल, एस इक्वल टू सर्कल की बाउंड्री बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कम पेरिस्कल, जिसको हम टू पाई आर भी लिखते हैं। और एक रोटेशन में एंगल कितना बनता है यहां से लेके यहां तक पूरा 360 डिग्री, सही है ठीक। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर वन में,
पुट वैल्यूज इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में बेटा जब मैंने पुट की तो एस की जगह आया टू पाई आर आर, और ये कितना आया 360 डिग्री, सही, आर से आर कैंसिल। अब मैंने रिलेशन मांगा था दो के दरमियान, रेडियन और डिग्री के दरमियान, तो अगर ये डिग्री है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा रेडियन, तो इट मींस ये हो जाएगा टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ मैं इससे दो रिलेशन ड्राइव कर सकता हूँ, एक रेडियन टू डिग्री, एक डिग्री टू रेडियन। वो कैसे देखें, ये इक्वेशन थी टू पाई रेडियन बराबर है किसके 360 डिग्री, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ वन मल्टीप्लाई बाय टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये टू पाई यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो डेफिनेटली वन रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर टू पाई। ये क्या हो जाएगा वन रेडियन 360 डिग्री, टू और पाई की वैल्यू है 3.14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या वन रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ठीक है, ये था रेडियन टू डिग्री। अब डिग्री टू रेडियन करना है, वही रिलेशन उठाया मैंने टू पाई रेडियन 360 डिग्री। मैं इसको यूं लिख सकता हूँ टू पाई रेडियन, अब मैं जो काम मैंने इधर यहां पे किया था अब मैं वही काम इसको इधर कर दूंगा, यानी कि वन मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, सही है, पहले मैंने इधर किया था अब यही काम है इधर, 360 मल्टीप्लाई और उधर जाके होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा टू पाई ओवर 360 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। पाई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, टू पाई की वैल्यू 3.14 ओवर 360 रेडियन 1 डिग्री, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1 डिग्री का आंसर आएगा पॉइंट, ये जो इसको कैलकुलेट करूंगा वो यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.0174 रेडियन, तो ये 1 डिग्री बराबर है 0.0174 के, सही। इसके फौरन बाद आगे स्टार्ट होता है क्या, अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर अब नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के। हम वेलोसिटी के लिए सिंपल जो जो हम यूज़ करते थे डेफिनेशन वेलोसिटी के लिए, सिंपल वेलोसिटी के लिए वो वर्ड यूज़ करते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही यूज़ करते थे
ठीक। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिर्फ थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टी फॉर टाइम। ठीक है, इसको यूनिट क्या है? एक है ऐसा यूनिट तो उसका यही है, रेडियन पर सेकंड, और दूसरा है रेवोल्यूशन सही। ठीक, ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन के लिए इसका कौन सा रूल है? और ये इधर आप लोग नोट में लिख लें, फॉर डायरेक्शन वी यूज राइट हैंड कर्व रूल। राइट हैंड कर्व रूल क्या कहता है? राइट हैंड कर्व रूल ये कहता है कि अगर आपकी रोटेशन, लेट सपोज आपके राइट हैंड की फिंगर्स की कर्लिंग रोटेशन की डायरेक्शन में, फिंगर्स की कर्लिंग रोटेशन की डायरेक्शन में है, तो जो थंब है वो जाहिर सी बात है आपका वो यूं अपवर्ड होगा, थंब जो है वो आपका अपवर्ड होगा, और ये थंब जो है इंडिकेट करेगा एंगुलर वेलोसिटी को या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी इंडिकेट करेगा। कर्लिंग इंडिकेट करेगी रोटेशन की डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहां पे ये कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज है, तो डेफिनेटली थंब कहां पे जा रहा होगा? अपवर्ड। थंब की जो डायरेक्शन है वही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और या फिर वो ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड कर्ल रूल कहते हैं। राइट हैंड कर्ल रूल ये कहता है कि आपके फिंगर्स की, अगर तमाम फिंगर्स कर्ल कर रही हो इस डायरेक्शन में, रोटेशन की डायरेक्शन में हो, तो थंब इंडिकेट करेगा रोटेट थंब इंडिकेट करेगा एंगुलर वेलोसिटी की या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। अच्छा, इसके फौरन बाद अगला टॉपिक
नेक्स्ट टॉपिक है, आई एम गोइंग टू चेंज कलर, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? सबसे पहले पॉइंट ये है, सिंपल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से मुराद है एक सेकंड में वेलोसिटी में जितना चेंज है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए लिखूं तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक। अच्छा, इसकी डायरेक्शन के लिए जो हम सॉरी इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर टी। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ठीक है टी फोर टाइम। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद ये इसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यूनिट इसका ये है। क्वांटिटी कौन सी है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन के लिए हम रूल क्या करते हैं? डायरेक्शन के लिए कुछ इसके लिए स्पेसिफिक है चीज है, वो क्या है? दैट इज एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, रोटेशन इस डायरेक्शन में, डेफिनेटली फिर एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ये ओमेगा की डायरेक्शन होगी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के चेंज को एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज है वो पॉजिटिव है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। एंगुलर एक्सेलरेशन बिल्कुल इसके पैरेलल है।
एंगुलर वेलोसिटी ठीक है। अगर एंगुलर वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव हो मीन एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल टैपर्ड या दूसरे अल्फाज में डाउनवर्ड, ये क्लॉकवाइज है, ये काउंटर क्लॉकवाइज के लिए रोटेशन के लिए। इससे हमें ये साबित हो रहा है कि अगर चेंज पॉजिटिव हो चाहे काउंटर क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो तो अल्फा और ओमेगा दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मींस पैरेलल होगा अल्फा एंड ओमेगा बोथ आर पैरेलल। लेकिन इसका ऑपोजिट भी है, वो ये अगर एंगुलर वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव हो यानी कि ये ओमेगा है, लेट सपोज ये रोटेशन है, इसका चेंज नेगेटिव हो मीन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो एंगुलर एक्सीलरेशन उसके एंटी पैरेलल होंगे, यानी ये एंगुलर एक्सीलरेशन उसके क्या होगी एंटी पैरेलल होगी, मीन्स अल्फा एंड ओमेगा बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दो रूल थे इसके। अब इसके फौरन बाद आ जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले देखो मैं तो लिख लेता हूँ, इसको है पहले मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन एक है लीनियर मोशन के लिए, और दूसरी है रोटेशनल मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन में पहली इक्वेशन है वी बराबर है यू प्लस ए, दूसरी है एस उसको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है टू एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लीनियर मोशन के लिए थी। रोटेशनल मोशन में ये क्या हो जाएगी, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, इसकी जगह क्या आ जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। यू फोर इक्वल टू आया यू फोर इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी,
इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस ए फोर एक्सेलरेशन, अल्फा फोर एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, ओके एंगुलर एक्सेलरेशन। टी फोर टाइम, टाइम का तो कोई नियम वगैरह नहीं है, तो ऐसे ऐसे चल जाएगा। सही है, यानी कि वी फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यू फोर इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ए फोर एक्सेलरेशन, अल्फा फोर एंगुलर एक्सेलरेशन, टी फोर टाइम, टाइम ऐसा चेंज ही रहेगा। अच्छा सेकंड पे एफ फोर डिस्प्लेसमेंट, थीटा फोर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही है, एफ फोर डिस्प्लेसमेंट, थीटा फोर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यू फोर इनिशियल वेलोसिटी, दोबारा वही आ गए, ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी फोर टाइम, टाइम आगे चल जा रहा है, प्लस हाफ एज इट इज आगे कॉन्स्टेंट है, ए फोर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, टी फोर टाइम, टाइम आगे। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी है, टू एज इट इज, ए फोर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एस फोर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम लीनियर मोशन टू रोटेशनल मोशन, यानी आपने फाइनल वेलोसिटी को फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से, डिस्टेंस को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, बाकी जो पैरामीटर सारे वही है। टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों में सेम है, सही। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होती है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट। जैसे एक ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट पी पे, तो उसकी डायरेक्शन ये भी, अगर बॉडी यहाँ है तो उसका वेलोसिटी की डायरेक्शन ये भी। सो इट मीन जब वो बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग टेंजेंट होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग टेंजेंट होती है, सही है। तो इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लें, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ
देन इट्स वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट ऑफ सर्कल, दिस वेलोसिटी वेलोसिटी कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। सही है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल्स टू r, कैसे होती है ड्राइव आपको? ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, सर्कुलर में मूव कर रही है, सर्कल में, सर्कल का रेडियस आर है, या बॉडी पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक गई, सेंटर ओ है, तो उसने आर्क लेंथ कवर की है। ठीक है, ए बॉडी सर्कल में मूव कर रही, पॉइंट बी से पॉइंट क्यू तक गई, आर्क लेंथ कवर की एफ, सर्कल का एंगल बनाया कितना? थीटा। और सर्कल का रेडियस कितना है? आर। सो इट मींस फ्रॉम फिगर, पहली बात एफ, आर्क लेंथ आर, रेडियस थीटा, एंड सबटेंड। ठीक है, अच्छा जी, अब ये रिलेशन तो मैंने आपको अभी ड्राइव कराया था कि एफ इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, मैथ्स में एक रूल है कि अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं एक तरफ अपनी तरफ से, तो वही चीज की तरफ भी तरफ आते हैं। वो ये कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा दोनों तरफ टी से, टाइम से, टी फॉर टाइम, तो डिवाइडेड बाय टी, ब्रैकेट में उसका नाम भी लिख रहा हूँ, टी फोर टाइम बोथ साइड्स। अब मैं जब डिवाइड करूंगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एस ओवर टी, उसको मैं यू लिख देता हूँ, थीटा अपॉन टी। तो ये इसको इक्वेशन नंबर वन में एस अपॉन टी आर मल्टीप्लाई विद थीटा अपॉन टी। ठीक है, नाउ वेलोसिटी का हमने ये फार्मूला पढ़ा था सिंपल काइनेमेटिक्स में, कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। इधर फिगर के मुताबिक यहाँ डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? एस टाइम टी में। और दूसरी चीज ओमेगा,
एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन सरफेस। सही है। अब ये दोनों वैल्यूज को उठा के पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर वन में, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन वन। जब इक्वेशन वन में मैं पुट करूंगा तो एस अपॉन टी की जगह क्या आ जाएगा, वी आर, थीटा अपॉन टी की जगह क्या आएगा, ओमेगा। तो ये आपकी इक्वेशन खराब हो गई, यहाँ पे वी है, थीटा अपॉन टी एंगुलर वेलोसिटी सही है। एक चीज नोट कर लेना कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिगर से बना के दिखाता हूँ, ये बॉडी सर्कल में घूम रही है तो सही है, ये लीनियर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 90। नहीं, दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो नीचे में लिख देता हूँ, बी एंड ओमेगा बोथ आर परपेंडिकुलर सही। अब इसके बाद अगला टॉपिक है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और ये फिर उसके बाद लास्ट सेमेस्टर एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेशन है, ठीक है, वो एक्सीलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी, पहली बात एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कब होती है, कि जब चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो एक वेलोसिटी है उसको 5 से 10 मीटर पर सेकंड कर दूँ, तो ये है आपने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज की, और दूसरी है डायरेक्शन चेंज करना। तो मैग्नीट्यूड को सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड को चेंज करने से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं टेंजेंशियल
एक्सीलरेशन के, जबकि डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से जो बॉडी होती है सिर्फ और सिर्फ उसे कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। ये मैं बाकी सेंट्रीपेटल में बता दूंगा। तो खैर मैग्नीट्यूड को चेंज करने से जो प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड टेंडेंशियल एक्सीलरेशन। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन लॉन्ग टेंजेंट होती है। टेंडेंशियल एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो लॉन्ग टेंजेंट होती है, इसको ए टी से जाया करते हैं। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बॉडी ड्यू टू चेंज इन एटीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सही इसकी इक्वेशन है ए टी इक्वल टू आर एल। सही अच्छा जी इसको ड्राइव कैसे करेंगे? ये किससे आ रहा है भाई? आ रहा है भाई। ये जो भी हमने डायरेक्ट मैं मैथ का वही रूल अप्लाई कर दूंगा, दो दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। डिवाइडेड बाय टी की फॉर टाइम ऑन बोथ साइड। तो मैं दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो वी वेलोसिटी अपॉन टाइम आर इनटू मेगा हुआ नंबर वन। सही बट वेलोसिटी ओवर टाइम किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन के और एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? एंगुलर तो ये बार बने हमने पड़ेगा। अब ये दोनों वैल्यूज हम उठा के पुट करेंगे एक इस इक्वेशन में। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा? पुट वैल्यू वन वन में पुट करूंगा तो क्या आएगा? ए इक्वल टू आर अल्फा या ए टी इक्वल टू आर अल्फा। सही जैसे कोई सिर्फ है ए टी से इसलिए ए टी इक्वल टू आर अल्फा। सही है। ये थी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो के बराबर है रेडियस मल्टीप्लाई एंगुलर एक्सीलरेशन के। यहाँ पे आर फोर रेडियस है। सही ठीक
इसके बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या है? देखा, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, सर्कल का रेडियस कितना है? आर। ठीक है, बॉडी पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाएगी। ठीक है, एंगल बनाया कितना? थीटा। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। पॉइंट पी पे वेलोसिटी क्या है? पॉइंट पॉइंट क्यू पे वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी V2। और अगर मैं इस लाइन को आगे तक स्केच कर लूं, ठीक है, और इस लाइन को V1 को V2 को मिला दूं, तो ये एक ट्राइंगल बन जाए। यानी इस फिगर में दो ट्राइंगल छुपे हुए हैं। ये तो पूरा है V1, ये पूरा है V2, और जिन दोनों का रिजल्टेंट डन ये, जबकि ये आर, ये भी डेफिनेटली आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट इसने जो आर्क लेंथ कवर की चुके हैं उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? डेल एस। तो यहाँ एंगल है थीटा, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी, और ये ओ पी। मैं आपको डायग्राम दोबारा इलस्ट्रेट कर दूं, बॉडी पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक गई सर्कल में, सर्कल का रेडियस आर, एंगल बनाया थीटा, यहाँ से यहाँ तक इसने आर्क लेंथ करी डेल एस। पॉइंट पी पे इसकी वेलोसिटी थी V1, पॉइंट क्यू पे इसकी वेलोसिटी थी V2, और इन दोनों को मिलाया तो उनका रिजल्टेंट कितना आ गया? डेल। सही। अच्छा जी, अब इन तमाम पैरामीटर्स का मैं जिक्र भी कर लूँ। और रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा, एंगल सबटेंडेंट, डेल एस, आर्क लेंथ, V1, वेलोसिटी ऑफ बॉडी पॉइंट पी। इसी तरीके से V2, वेलोसिटी ऑफ बॉडी पॉइंट क्यू।
जबकि जबकि डेल रिजल्टेंट है एंड डेल ठीक है। अच्छा जी, मैथ्स पे थ्योरम है, मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, पहले से थ्योरम से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे क्योंकि बॉडी सर की स्पीड कांस्टेंट है, फिर बॉडी इज मूविंग, विद कॉन्स्टेंट स्पीड, बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे V1 की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, V2 का भी मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। किसके बराबर है? इनके बराबर है, मैं एक ही बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि बॉडी की स्पीड कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। जैसे कि यहाँ मैं बता रहा हूँ, डायग्राम दिखा देता हूँ, इधर डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसका जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, नो चेंज, नो चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, चाहे V1 में और V2 के साथ भी एक ही, ठीक। अच्छा, हम फिगर पर भी दोबारा आएंगे, लेकिन मैं पहले एक चीज बता दूं, तो मैथ्स में एक थ्योरम है कि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी कम से कम दो साइड से बना हुआ है। तो मैंने दो तरह के ट्राइंगल बनाए, इस साइड को मैंने नाम दे दिया A1 का, इस साइड को नाम दे दिया A2 का, इस साइड को नाम दे दिए B1 का, इस साइड को नाम दे दिए B2 का, इस साइड को नाम दे दिए C1 का, इस साइड को नाम दे दिए C2 का, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ए बी टू ट्राइंगल हाँ, तो इसका रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेट, अब कॉरेस्पॉन्डिंग सेट से रेशियो की क्या मुराद है? मतलब ये जैसे ये A1 है ना, इसका और इसका रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये अगर ले जाओ तो इसका रेशियो इसी के साथ, यानी A1 over A2, इसका रेशियो ये वाली साइड जैसे ये ले लिया मैंने, इसका रेशियो मैंने इसके साथ,
अपॉन बी टू, या मैंने अगर ये वाली साइड ली इसका रेशियो इसके साथ, तो सी वन अपॉन सी टू, इन तीनों रेशियो का आंसर सेम, तीनों रेशियो का आंसर जो होगा वो सेम, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो सी वन का बी टू के साथ और सी वन का रेशियो सी टू के साथ बराबर। ठीक है, अब मैं अगर यही अप्लाई करूं ऊपर वाली ए फिगर पे, आइए जरा ऊपर आए जरा, जी ये था ना, यहाँ एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, डेल्टा में ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल के सामने वाली साइड क्या है, डेल्टा बी। मैं यहाँ पे एक तरफ नोट पे एक तरफ लिख रहा हूँ तो मैं नीचे लिख लूंगा, यहाँ एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, डेल्टा एस, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, डेल्टा एस, इधर एंगल के सामने वाली साइड कौन सी थी, डेल्टा बी, इधर एंगल के सामने वाली साइड कौन सी थी, डेल्टा एस, डेल्टा वी का रेशियो किससे लिया आपने, डेल्टा एस के, सही। अच्छा इसके बाद यहाँ एंगल किस पे शिफ्ट हो रहा है, वी वन पे, एंगल किस पे शिफ्ट हो रहा है, वी वन पे, तो वी वन का रेशियो, यहाँ पे एंगल किस पे शिफ्ट हो रहा है, आर के ऊपर, तो वी वन का रेशियो आर। ठीक है, यहाँ एंगल किस पे हो रहा था शिफ्ट, वी वन पे, और यहाँ एंगल किस पे शिफ्ट हो रहा था, आर पे, तो वी वन का रेशियो आर के ऊपर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ एंगल के सामने वाले साइड पे डेल्टा वी, यहाँ एंगल के सामने वाले साइड पे डेल्टा एस, तो डेल्टा वी का रेशियो डेल्टा एस के साथ, और यहाँ एंगल किस पे शिफ्ट हो रहा था, बी वन के ऊपर, और यहाँ एंगल किसके ऊपर शिफ्ट हो रहा था, आर के ऊपर, तो बी वन का रेशियो आर के ऊपर। तो मैं ये इक्वेशन अब नीचे उतार लेता हूँ ताकि हम इसकी डेरिवेशन नीचे आराम से कर सकें। तो इक्वेशन कैसे, अप्लाई दिस ऑन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी ओ, क्या फर्क पड़ेगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा एस इक्वल टू बी वन ओवर आर। बट मैंने आपको ये बात बताया था कि वी वन या वी टू दोनों की वैल्यू सेम है, वो किस तरह का वैल्यू, वी टू, इस इक्वेशन में ये वैल्यू शिफ्ट कर दूंगा वी वन की जगह, ये वी शिफ्ट हो जाए, क्या आएगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा वी ओवर आर। सही, इसके बाद डेल्टा एस उधर चला जाएगा, डेल्टा एस उधर चला जाएगा, क्या होगा, ये वही मैथ्स की टेक्निक दोबारा लगा दें, तो वाई की वाई डेल्टी बोथ साइड,
वैल्यू ओवर 30 वी ओवर आर डेल एक्स ओवर दोनों तरफ पहले डेल्टा टी के डिवाइड की, ठीक है फाइनली बचेगा। अब हम ये हमें पता है एक्सेशन किसके बराबर है, इवन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये किसके बराबर है वेलोसिटी क्या? नहीं दोनों वाले फुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर वन में। क्वेश्चन नंबर वन में जब मैं फुट करूंगा मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूंगा, डेल्टी ओवर डेल्टी की जगह आ जाएगा ए बराबर वी ओवर आर, और डायरेक्ट अपॉन डेल्टी की जगह आ जाएगा ये वी और वी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बराबर होगा किसके वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंटीमीटर एक्सप्रेशन का पहला फार्मूला है। अगर आप चाहें तो एक और दो फार्मूले और हैं वो भी ड्राइव करके बता दो। बी किसके बराबर है, आर होने का, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे टू में। तो नंबर टू में मैं पुट कर दूंगा तो ये क्या आएगा, ए इक्वल टू वी ओवर आर इनटू सॉरी वी स्क्वायर अपॉन आर था ना, तो आर वैल्यू वो स्क्वायर अपॉन आर, आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, तो ए बराबर है इसके आर ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला। आखिरी में एक और फार्मूला, ये क्वेश्चन नंबर थ्री हो गए नाउ, ओमेगा किसके बराबर है थीटा अपॉन ठीक है फोर वन रोटेशन, एक रोटेशन के लिए ओमेगा किसके बराबर होगा टू पाई अपॉन टी, यानी कि टू पाई पूरा एक रोटेशन में एंगल बनता है 360 डिग्री, और जिसको हम रेडियन में लिखते हैं टू पाई, और टी को टाइम पीरियड। मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर थ्री में, तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन नंबर थ्री दिस इंप्लाइज ए आर ओमेगा स्क्वायर था, आर ओमेगा की जगह आ जाएगा टू पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर, टू पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर, तो आर ये हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा ए इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। ये
कार्बन हो जाएगा। याद रखना है ये सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल होती है। डायरेक्शन ऑफ सेंटर, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन इज टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। सही है। आखिरी छोटी सी डेफिनेशन है सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपेटल फोर्स किसे कहते हैं? जस्ट लाइक दिस, वो फोर्स जो कि बॉडी को सेंटर ऑफ सर्कल में मिलता है, जैसे कि ये धागा इसके साथ एक फोर्स था, आज जब इसके पास सर्कल में, इसके पास ये परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी सर्कल में मूव कर जाएगी। तो इट मीन वो फोर्स जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स विच मूव बॉडी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, फार्मूला इसका क्या है? फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स को एफ सी से लिख लो फिलहाल, मास सेंट्रीपेटल। सही है, उसके साथ ही ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। सही है, आई होप तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको रिवीजन अगर आप करेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा, ये करते रहेंगे। ठीक है, तो इसके साथ में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बताएँ, अल्लाह हाफिज़।